हेलो एवरीवन, मेरा नाम संकेत, आप देख रहे हो मूवी दिन। और आज मैं बात करने वाला हूँ उल्वरिन के बारे में। उल्वरिन की कुछ चीजें जानेंगे जो हमारे लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी चीजें चेंजेस कर सकते हैं। और ये है यू आर अ सुपर हीरो का 7th एपिसोड, जो कि बहुत अच्छा और बेहतरीन रहने वाला है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना कि उल्वरिन हमें क्या क्या एक्टिविटी सिखाता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका पूरा पूरा डिटेल्स। तो लेट्स बिगिन। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा भरा हुआ है इस कैरेक्टर में। जिस तरह से आपने इसके सारे मूवीज देखी है, लोगन देखी है, वुल्वरिन देखी है, जितनी भी आपने मूवीज देखी है, तो हर बार आप उसको ऑब्जर्व करना कि आपको एक बात वहां पे समझ में आती है कि सारे एक्समैन के मेंबर्स के बीच में ही ये जो हमारा वुल्वरिन है, ये क्या होता है, सारे एक्समैन के मेंबर उस विलन का सामना करने के लिए घर के अंदर घुसते हैं, बट हमारा वुल्वरिन बाहर खड़ा रहता है क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है और उसको ये बात पता है कि कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों को तो इजी वे में बचा ही लूंगा, या फिर जो भी चीजें होगी मैं उसको आराम से एकदम मस्त तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उसमें दिखाया गया है। और जब भी कोई बड़ा विलन उसके सामने आता है तब वो डरता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है, बल्कि उसके आगे खड़ा हो जाता है। एकदम लीडर लीडर बन के जैसा खड़ा होना चाहिए वैसे खड़ा हो जाता है। तो तभी भी वो ये नहीं सोचता है कि भाई ये तो मेरे से ज्यादा पावरफुल है, नहीं दोस्तों। वो ये सोचता है कि भाई मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ, मेरे इसमें इतना आत्मविश्वास है कि मैं इस बंदे को तो मैं हरा ही सकता हूँ। तो ये करते हुए हमारा वुल्वरिन यहाँ पे बखूबी से मिलता है। हार्ड एज रॉक यानी पत्थर जैसा कठिन और एकदम दमदार ऐसा कैरेक्टर है ये। जिस तरह से ये चीज कैसे सिखाता है, तो हर बार जब भी कोई चीज होती है, कुछ भी रहता है, तो वो डरता नहीं है, वहां पे सहम नहीं जाता है, वो एकदम ही कठिन एकदम कठोर होके वहां पे खड़े रहता है और उस चीज का सामना करता है। जैसे आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा, लोगन में भी आपने देखा है कि वो आखिर दम तक वो लड़ते रहा था, क्योंकि उसको पता था कि भाई मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूं ना तो उन बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए वो इतना ज्यादा कठोर बताया गया है हमें इस मूवीज के जरिए। तो हमें ये भी सिखाता है कि भाई स्ट्रांग बनो, जितना ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे, जितना ज्यादा आप कठोर रहोगे, उतनी ज्यादा कठिन परिस्थिति भी आपके सामने आएगी तो वो भी आपके लिए कुछ नहीं लगेगी और आप उसके ऊपर कामयाबी पाई लोग। तो ये सिखाता है हमारा वुल्वरिन। अब थर्ड चीज ये सिखाता है कि भाई सैक्रिफाइस कैसे सिखाता है, जैसे हमारे सारे लोग ही सिखाते हैं, बट वो लोगन हमें कैसे सिखाता है, यानी हमारा वुल्वरिन कैसे सिखाता है। तो जब कोई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, जैसे कि वुल्वरिन के कंट्रोल में नहीं थी कुछ चीजें, तो उसने क्या किया, उसने वहां पे हार नहीं मानी, वहां पे कंट्रोल रह के वो खड़ा भी रहा, सारी चीजें की, बट उसको ये पता था कि मेरे बिना ये चीज नहीं हो सकती, तो उसने वहां पे उसका बलिदान दे दिया। बलिदान देना इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जान ही गवा दो, नहीं, सैक्रिफाइस करना ये भी होता है कि भाई आप उस चीज को छोड़ दो किसी और के लिए, किसी दूसरे के लिए, ये भी एक सैक्रिफाइस का ही जरिया है। तो वहां पे लोगन मूवी में लोगन जो हमारा वुल्वरिन है उसने साथ छोड़ दिया था एक्चुअल में, वहां पे वो लोगों के लिए लड़ता रहा क्योंकि उसको ये पता था कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इन चीज के लिए अगर बलिदान दूं तो ये सारे लोग जितने भी लोग हैं ये बच सकते हैं। तो ये भी सिखाता है हमारा वुल्वरिन। हिडन टैलेंट, तो ये वुल्वरिन के पास कैसे है, जितने भी लोग वुल्वरिन के पीछे पड़े हुए रहते हैं उन लोगों को क्या लगता है कि भाई ये तो एक एक्समैन का ही एक कैरेक्टर है जो कि सिर्फ क्लॉज वगैरह निकालता है, लोगों को मारता है, और हम लोगों ने उसको अगर मार दिया तो उसको कुछ नहीं होता है, फिर से वो सारी चीजें हील हो जाती है। तो ये लोग वहां पे गलती कर देते हैं। कैसे, क्या, तो ये लोग यही समझते कि भाई ये नॉर्मल सा एक म्यूटेंट है जिसको हम लोग मार के खत्म करके बात एकदम से पूरी पूरी अपने काबू में ले सकते हैं। बट यहाँ पे हिडन टैलेंट ये है कि वुल्वरिन का दिमाग भी है, जो कि बौद्धिक क्षमता जो उसकी है वो इतनी हाई रखता है हमेशा, और हमेशा उतनी इंटेंस रखता है कि जब भी उसके पास कोई खतरा मंडराता रहता है तो उसको वो सारी भनक हो जाती है, उसके बारे में उसको पता चल जाता है कि भाई आखिरकार ये क्या चीजें होने वाली है और मेरे साथ कैसे क्या घटने वाला है। तो वो उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करके, यानी उसकी दिमाग की जो शक्तियां है उसका इस्तेमाल करके वो उस वे में आगे बढ़ता है, उस पूरी कठिन परिस्थितियों से निकल जाता है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि भाई अपने पास भी कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट है। जैसे उसके पास एक बौद्धिक क्षमता थी, तो वैसे भी अपने पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। तो उसका यूज करके हम लोग जो कुछ भी कठिन परिस्थिति है उसके ऊपर मात करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी सिखाता है हमारा।
बोले तो क्या, तो वो हमेशा अपना कुछ एक अलग ही रास्ता ढूंढते रहता है हमेशा। ये नहीं कहता है कि भाई मेरे को कोई नहीं मार सकता है, मैं बहुत टाइम से चला आ रहा हूँ तो मैं जीते रहूंगा कुछ नहीं करूंगा, नहीं, वो हमेशा अपनी खुद की राह एक ढूंढते रहता है। और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है जो हम लोगों को डेफिनेटली सीखनी चाहिए। जैसे कि वुल्वरिन के सारे पार्ट्स में आप देखिए, एक्समैन में देखिए, कि वो एक अलग रास्ता चुनता है, एक अलग राह पे चलने की कोशिश करता है। जहाँ पे लोगन में हमें चार्ल्स जेवियर्स को बचाते हुए भी दिखता है, लड़कों को भी, उस बच्ची को भी जो उसके बेटी बताई गई उसको भी बचाते हुए दिखता है। वुल्वरिन की अगर बात की जाए तो वो एक्समैन के साथ जुड़ना नहीं चाहता है, वहाँ पे एक्समैन के अपोज में खड़ा है, क्योंकि वो वहाँ पे उसका एक अलग रास्ता वो चुनता है। तो इसलिए हमेशा से वो क्या करता है, जहाँ पे भी रहता है तो एक अलग अलग रास्ते चुनते रहता है। जैसे उस लड़कियों को बचाना था तो उसने कुछ अलग रास्ता चुना, बाकी लोगों को बचाना था तो उसने अलग रास्ता चुना, ऐसे अलग अलग रास्ता चुन के उस वे में वो जाता है, ताकि वो जो उसके पास जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से वो यूटिलाइज कर पाए और बाकी लोगों की भी जान बचा पाए, या फिर और जो उसके ऊपर जितने भी खतरे मंडरा रहे हैं, या फिर उसको जो जो नई चीजें सीखनी है वो इस नए नए वे से सीख सकता है। तो ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई अलग रास्ता चुनना चाहिए, अलग रास्ता ढूंढना चाहिए। यही नहीं है कि भाई अगर मैं यहाँ से मुझे घर तक जाना है या फिर यहाँ से मुझे वहाँ तक जाना है तो भाई एक ही रास्ता तो नहीं होता है ना, अलग अलग रास्ते होते हैं। तो जहाँ पे भी आपको जाना है उसके लिए फाइंडिंग न्यू वेज, हमेशा नए रास्ते चुनो, नए रास्ते ढूंढते रहो, ताकि आपकी सारी कठिन परिस्थितियों में जितने भी चीज़ें आएगी वो आप सीखते जाओगे और आगे ये चीज़ें आप ऐड करते जाओगे। तो इस तरह से ये भी सिखाता है अपना वुल्वरिन। तो यही दोस्तों पांच बातें थी जो मैंने आपको बताई वुल्वरिन के बारे में, और आपको क्या क्या सीख मिलती है वुल्वरिन से वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा वुल्वरिन चैनल को, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, देखते रहिए मूवीज़।